ओम नमः शिवाय। तंत्र के रचयिता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। अक्सर मैं क्या देखता हूं कि लोग कोई भी मंत्र उठा लेते हैं और उसका जाप करना शुरू कर देते हैं, तो बिना गुरु के अगर आप कोई भी मंत्र करते हो तो ये फलदायी नहीं होगा। गुरु आपको बताएगा कौन सा मंत्र करना है कौन सा नहीं करना, उसी अनुसार आपको मंत्र करना होता है। अगर आप अपनी मर्जी से कोई भी उठा के करेंगे तो परिणाम जो है वो विपरीत पे आ सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि लोगों को आत्मरक्षा का मंत्र नहीं पता होता और मंत्र जपते चले जाते हैं। तो सबसे पहले आपको, जब भी आप कोई साधना शुरू करें, कोई भी ऐसा आप साधना करना चाहें, तो सबसे पहले अपनी आत्मरक्षा का मंत्र आपको याद होना चाहिए। जब तक आपकी आत्मरक्षा नहीं होगी तब तक कोई भी अलौकिक चीज़ आप पर अटैक कर सकती है। आपकी साधना काल में आपके साथ कोई भी अनहोनी हो सकती है अगर आपने अपनी रक्षा नहीं की हो। तो सबसे पहले क्या करना होगा आपको, अपनी रक्षा के लिए आपको एक रक्षा मंत्र सिद्ध करना होगा खुद के लिए। इसको सिद्ध करने के बाद आप कोई भी साधना कर सकते हैं। अब ये बहुत ही सरल है क्योंकि हनुमान चालीसा में भी कहा गया है, भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो आपको मैं हनुमान का एक ऐसा अचूक बंधन मंत्र दूंगा जिससे कि आप अपने आसपास की जितनी भी चीज़ें उनको बांध देंगे और कोई भी ऐसी नकारात्मक ऊर्जा आपको छू भी नहीं पाएगी। आपका बाल भी बाका नहीं होगा अगर ये मंत्र आपने सिद्ध कर लिया तो। तो मंत्र एक बार सुन लीजिए आप गौर से। ओम नमो वज्र का कोठा जिसमें पिंड हमारा बैठा, ईश्वर कुंजी ब्रह्मा का ताला, मेरे आठों याम का यति हनुमंत रखवाला। बहुत ही पावरफुल मंत्र है रक्षा के लिए, एक बार फिर से सुन लीजिए क्योंकि कई लोग कहते हैं बहुत तेज बोलता हूँ। ओम नमो वज्र का कोठा जिसमें पिंड हमारा बैठा, ईश्वरी कुंजी ब्रह्मा का ताला, मेरे आठों याम का यति हनुमंत रखवाला। आपको क्या करना है कि बिल्कुल लीन होकर किसी हनुमान मंदिर में चले जाइए और एकदम लीन होकर इस मंत्र को जपना शुरू कीजिए 1100 बार। आप ये कहीं पर भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मंगलवार को करें तो बेहतर होगा। मंगलवार को किसी हनुमान मंदिर में जाकर आपको ये मंत्र 1100 बार सिद्ध कर लेना है बोलते हुए, बिल्कुल लीन होकर। आसपास क्या चल रहा है आपको पता ही नहीं होना चाहिए, बस ये मंत्र जपते जाइए। ऐसा करने से आपका जो ये मंत्र है ये सिद्ध हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है कि एक कील या चाकू लेना है। जब भी आप कभी साधना करें तो इसको 11 बार जप लेना है, और जो कील या चाकू है उससे आपको अपने बाहर बाहर एक घेरा बना देना है। इससे क्या होगा कि आपका रक्षा कवच बन जाएगा। अब जब तक आप इस रक्षा कवच में रहेंगे आपका कोई बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। जब भी कोई साधना करें तो ये रक्षा मंत्र आपके साथ होना चाहिए। अगर इसमें आप बैठे हैं तो मैं गारंटी देता हूँ कि ऐसी कोई शक्ति नहीं है, ऐसा कोई तांत्रिक नहीं है जो आपका बाल भी बाका कर सके। बस इस रक्षा घेर से बाहर मत निकलना। जब तक ये रक्षा घेर आपके बाहर बाहर रहेगा तब तक दुनिया की कोई भी ताकत आपका नुकसान नहीं पहुँचा पाएगी। अगर मंत्र में कोई त्रुटि लगे, आप समझ ना पा रहे हो, या फिर मेरी बोलने में कोई दिक्कत हो, तो आप मुझे WhatsApp पर मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर मैं आपको इसका एक लेख भेज दूंगा, या फिर मैं इसमें भी कोशिश करूँगा कि मैं वीडियो में भी आपको भेज सकूँ। तो मुझे बताइएगा कि ये जो मंत्र है आपके लिए कितना कारगर रहा और कितना जल्दी आपने इसको सिद्ध किया। और किसी भी तरह की जानकारी के लिए मुझे कॉल कीजिएगा 9982816625 पर। थैंक यू।